आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई के मोर्चे पर एक बुरी खबर है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से सीएनजी के दाम 80 पैसे प्रति किलो बढ़ गए। वहीं पाइप के जरिए घरों पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार 31 मार्च को सरकार ने देश में उत्पादित नेचुरल गैस की कीमतों के दाम 2 गुने से अधिक बढ़ाने का फैसला किया था। इसी के बाद आज सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 60 रुपये 1 पैसे से बढ़कर 60 रुपये 81 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। IGL दिल्ली और आसपास के इलाकों में सीएनजी और पीएनजी की रिटेल बिक्री करती है। पिछले एक महीने में सीएनजी की कीमतों में ये छठी बढ़ोतरी है और इस दौरान कुल मिलाकर दाम करीब 4 रुपये प्रति किलो बढ़ चुका है। दुनिया भर में गैस की कीमतों में उछाल के कारण ये वृद्धि हुई है। कंपनी का कहना है कि 1 अप्रैल 2022 से घरेलू पीएनजी की कीमत में 5 रुपये प्रति मानक क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में पीएनजी की कीमत 41 रुपये 61 पैसे प्रति SCM वैट सहित होगी। गाजियाबाद और नोएडा में घरेलू पीएनजी की कीमत 5 रुपये 85 पैसे बढ़कर 41 रुपये 71 पैसे प्रति SCM कर दी गई है। IGL घरेलू फील्ड से नेचुरल गैस हासिल करती है और साथ ही आयातित LNG भी खरीदती है। सरकार ने गुरुवार को स्थानीय फील्ड से उत्पादन गैस की कीमत 2.9 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 6.10 अमेरिकी डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल इकाई कर दी थी। इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक इसके चलते IGL की लागत बढ़ गई है और कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG के भाव 63 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होंगे, जबकि गुरुग्राम में यह 69 रुपये 17 पैसे प्रति किलो पर उपलब्ध होगी। CNG की कीमत विभिन्न शहरों में अलग अलग होती है। इसका मुख्य कारण वैट होता है, जो हर राज्य में अलग अलग होता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।